नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव 24 टाइम्स टुडे से। सुभाषपा की ओम प्रकाश राजभर की यूपी की राजनीति में कितनी पकड़ है यह और बात है, लेकिन वह अपने बेबाक और बेखौफ बयानबाजी के चलते सदैव चर्चा में रहते हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए तो शायद ही कोई छोटे से लेकर बड़ा नेता ऐसा हो जो उनके निशाने पर न रहा हो। हर किसी को खुलकर बेखौफ तरीके से वह किसी को सुनाने से कभी नहीं चूकते हैं। यूपी के पूर्वांचल के लगभग 10 जिलों में राजभरों में अच्छी पैठ बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर के इतना सब कुछ अन्य पार्टियों के खिलाफ बोलने के बावजूद कभी अन्य पार्टियां उनके खिलाफ कभी जहर उगलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। कम से कम भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं में तो नहीं ही दिखती है, क्योंकि कम से कम यह दोनों पार्टियां ओम प्रकाश राजभर के लिए अपने पार्टी में शामिल करने के द्वार को कुछ भी बयानबाजी देकर बंद नहीं करना चाहते हैं। जबकि वही ओम प्रकाश राजभर इन पार्टी के विशेषकर शीर्ष नेताओं को सीधे खरी खोटी सुनाने में कभी कोई गुरेज नहीं करते हैं, यह उनका अपना अलग अंदाज है। इस सब के बावजूद वह इन पार्टियों में शामिल होने के लिए भी अपने अंदाज में तैयार भी रहते हैं। उनका सीधे यही कहना है कि राजनीति में सब कुछ संभव है, यहाँ न कोई मित्र है और न ही शत्रु। पर एक बोर्ड काफी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। इसको लेकर एक बार फिर सपा व सुभाषपा के बीच चल रही गठबंधन की बात फिर खटाई में पड़ती दिख रही है। सूत्रों की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को पूर्वांचल की जिम्मेदारी देते हुए सबसे पहला काम अपने पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में शामिल करने का ही दिया है, जिसके तहत राजनीतिक जानकार बताते हैं कि दोनों के बीच फोनिक बातचीत भी हुई है और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी कि अगर शिवपाल यादव पहल करें तो अखिलेश यादव संभव हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में किसी के साथ गठबंधन कभी भी हो सकता है। सपा छोड़ने की बात तो उन्होंने बसपा में जाने की बात भी जोरदार ढंग से की, लेकिन बसपा मुखिया मायावती ने उनको कोई तवज्जो नहीं दिया, जिससे थक हार कर वह फिर अपने पुराने साथी पार्टी भाजपा व सपा के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। दोनों पार्टियों से मिले झटके व नुकसान की वह भरपाई अब गठबंधन के समय अवश्य करना चाहते हैं। वह इस बार अपना नफा नुकसान पूरा देख कर ही अपने शर्तों पर इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। वह अखिलेश को बराबर कोसते हुए कहते भी हैं कि आज मेरे आदमी विधानसभा का चुनाव जीते हैं, लेकिन सपा का झंडा लगाकर घूमते हैं, उन्होंने हमको धोखा दिया है। उन्होंने मीडिया के सामने कई बार अखिलेश यादव पर अपनी जमकर भड़ास भी निकाली, लेकिन अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के बारे में बड़ा ही नपा तुला ही बयान रखा। हर बीच अखिलेश यादव से मीडिया ने सपा कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर के प्रवेश पर प्रतिबंध के बाबत पूछा तो उन्होंने सीधे यह कहकर वहां से चल दिए कि यह कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। और ऐसा ही कुछ भाजपा के नेताओं के बारे में भी कहा जा सकता है, जबकि वह आज भी पानी पी पी कर कोसने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। वहीं कभी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मंच साझा करते तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बनकर चर्चा में बने रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव ने यादव बिरादरी के ब्रांड नेताओं में शुमार रहे और उनके चलते यादव बिरादरी ने कम से कम यूपी और बिहार की राजनीति में अच्छा खासा दखल भी दिया है, वैसे ही आज अगर देखा जाए तो राजभर समाज की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर का अपना क्रेज है और अपने बेवाक अंदाज के चलते वह अपने समाज में काफ़ी चर्चित हैं। भाजपा ने अनिल राजभर को उनके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वह भले ही शिवपुर विधानसभा सीट जीत गए हों, लेकिन वह आज भी ओम प्रकाश राजभर की तरह अपने राजभर समाज में छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। शायद यही उनका अंदाज और पूर्वांचल के 10 सीटों पर राजभर समाज में अच्छी पकड़ रखने के कारण ही आज भी दोनों पार्टियां बराबर उनको कोसने के बाद भी अपने पार्टी के दरवाजे खुले रखे हैं। अब देखना है कि ओम प्रकाश राजभर किसके साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बार वह बहुत ही नफा नुकसान देख कर ही गठबंधन करना चाहते हैं, जिसकी बाकायदा वह सूची भी तैयार कर रहे हैं।
और इसके लिए इन दोनों पार्टियों को अभी शायद इंतज़ार करना होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।